बहुत शॉर्ट बता रहा हूँ। इसमें ये गलत है, कोई नेता नेता सारे खिलाफ है स्कूलों के, जैसे आप लोग खिलाफ हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। आप सुनेंगे नहीं, बात नहीं सुनेंगे तो मैं फिर वही काम करूंगा। वक्त छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मैं आता हूँ। लेकर क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां आती हैं, और अब हमारे साथ शिवकरा जी जुड़ गए हैं। शिवकरा जी, आज बात हो रही थी फीस की फांस को लेकर, पेरेंट्स का अलग एक परेशानी है। उनका कहना है कि गेट के अंदर तक नहीं जाने दिया जाता है। गवर्नमेंट ने कहा है कि पीटीए फॉर्म करिए, उसकी रिकमेंडेशन के बाद फीस बढ़ सकती है। ये जो और एक तरफ एक तरफ पहलू ये है कि गवर्नमेंट कह रही है सबके पास शिक्षा जो है मुहैया होनी चाहिए, प्रॉब्लम क्या है प्रैक्टिकली ये आप देख रहे हैं साहब? बात ऐसी है कि जो सरकार एजुकेशन की बात करती है, तकरीबन अभी जिन्होंने एक इन्होंने बात कही 50% गवर्नमेंट स्कूलों में ना ब्लैक बोर्ड है ना टीचर है, तो आप पहली बात तो ये है कि अपनी जो बात कर रहे हैं, जिस बात के लिए वो चिंतन जता रहे हैं, एकदम खोखलापन है इसमें टू बिगिन विद, नंबर वन। नंबर टू, जैसा कि अभी भल्ला साहब ने वहां पीछे कहा स्पिंडेल से, कि इनमें कॉन्ट्रडिक्शन है। एक ऑर्डर देते हैं तो उसके बाद दूसरा उसी के ऊपर कॉन्ट्रडिक्टरी आ जाता है, एक होता है तो उसके दूसरे बार कॉन्ट्रडिक्ट। आप किसको कीजिएगा? आप अगर ईमानदारी से देखें तो कोई ना कोई कानून हर इंसान तोड़ रहा है। यहां पर बाय डिफॉल्ट हम लोग तोड़ रहे हैं कोई ना कोई कानून, हर एक आदमी। तो दैट मीन्स वी हैव बिकम क्रिमिनल्स बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली, नंबर वन। नाउ इन्होंने कहा कि स्कूल की जहां बात है, पीटीएस की बात है, इट इज अ मैटर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि स्कूल इतने कम हैं अच्छे और एडमिशन नहीं मिलती है। आई मीन आज एक स्कूल का प्रिंसिपल इट इज लाइक बिकमिंग लाइक अ कैबिनेट मिनिस्टर। दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर। आई मीन आप किस तरीके से बच्चों को इस देश के अंदर डिप्राइव कर रहे हैं। आई मीन दिस इज द बिगेस्ट डिसग्रेस टूडे। आज अगर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कर दी जाए या प्राइवेटाइज भी कर दिया जाए इसको, मेरे हिसाब से इस देश में लोग स्कूल खोलेंगे और बहुत अच्छे स्कूल खोलेंगे और एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा और फीस गिरेगी, आप देखिएगा अगर खोलें तो इस तरीके से। बट ये लोग खोल नहीं देते थे स्कूल, अच्छे स्कूल खोलने नहीं देते। आज जितने जिस तरीके से रेगुलेशन है, किस तरीके से इंसान कंप्लाई करेगा उनके साथ, इट इज नॉट ईजी। मैं खुद स्कूल खोलने के लिए खोज रहा था, मैं अपने आप सोच रहा था कि एक स्कूल खोलूं अच्छा, बट जिस तरीके से कंप्लायंस है, मैं कहता हूं साहब इनके साथ डे टू डे गुजर करना, इट इज नॉट ए इजी जॉब टुडे। जी जी, द वे इट इज। मैं कैम्ब्रिज फाउंडेशन स्कूल राजौरी गार्डन का पेरेंट हूं। पेरेंट्स के ज्यादा इन्वॉल्वमेंट से तो स्कूल का स्तर बढ़ेगा ही एजुकेशन का। मैं एक चीजें आपको जो बताना चाहता हूं, शायद आप सुन के हैरान होंगे। ईडब्ल्यूएस कोटे में इतनी धांधली हो रही है कि जिनके पास एसडीएम का सर्टिफिकेट है उनको 50% कंसेशन दिया जाता है, वो भी एक बच्चे को, दूसरे बच्चे को नहीं। आप सुनिए मेरी बात, दो में से एक बच्चे को देंगे, एसडीएम कोर्ट का सर्टिफिकेट है फिर भी एक बच्चे को देंगे, दूसरे बच्चे को नहीं। और वो भी उसके लिए आपसे बिल राइटिंग में मांगा जाता है, बिल, टेलीफोन का बिल, बिजली का बिल, कन्वेंस का, मोटरसाइकिल है कि नहीं है, कार है कि नहीं है, वो एसडीएम कोर्ट के सर्टिफिकेट के बाद वो वेरीफाई करेंगे, फिर एडमिशन, फिर कोर्ट फैसिलिटी देंगे। उसके अलावा अपने जो उन्होंने हैंड पिक्ड पेरेंट्स हैं जिनको वो पीटीए का मेंबर नॉमिनेट कर देते हैं, चिल्ड्रन ऑफ गजेटेड ऑफिसर्स, सीनियर मैनेजर्स इन बैंक, दे आर गेटिंग ईडब्ल्यूएस फैसिलिटी इन द स्कूल, कैम्ब्रिज फाउंडेशन स्कूल राजौरी गार्डन। नंबर ऑफ स्कूल्स कम है, नंबर ऑफ स्कूल्स का प्रॉब्लम है कि जितने बच्चे का ईडब्ल्यूएस से करवाया है, पैसे देके करवाया, जुड़े भी बनवा के। जी जी, सर पिछले एक साल से हम लोग कैम्ब्रिज फाउंडेशन के साथ फाइट कर रहे हैं कि इस फीस को माफ कर दिया जाए। मिस्टर गंभीर जी हैं और हमारे अग्रवाल जी इस बात का साक्षी हैं, लेकिन सबको इस चीज को पता, मिस्टर मलिक बैठे हैं शायद इनको भी इस बात का पता होगा कि कैम्ब्रिज से पिछले एक साल से हमारी फाइट चल रही है। कभी इन्होंने उनको बुलाया, कभी पूछा भी, कभी पेरेंट्स के फेवर में आपने कभी बात करी? कौन से स्कूल की फीस की माफ कर रहे हैं आप? बात कर कैम्ब्रिज फाउंडेशन राजौरी गार्डन की बात कर रहा हूँ जी। कौन से बच्चों की फीस माफ की? सर हमारे सारे ईडब्ल्यूएस को वो 50% देते हैं और बाकी 50% अपनी जेब में डाल लेते हैं। कोई ऐसा कानून नहीं है ईडब्ल्यूएस में कि एक बच्चे की फीस माफ है दूसरे की नहीं होनी चाहिए या उसकी 50% होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस कोटे में 100% फीस माफ होती है, लेकिन उनसे एनुअल चार्जेस लिया जाता है। जो बच्चा पेरेंट पैसे दे नहीं सकता उनसे एरियर क्यों लिया जा रहा है? ईडब्ल्यूएस कोटे में एरियर क्यों लिया जा रहा है? और ये शायद ये बहुत सारे सवाल है, ये वो सवालों का घेरा है जो शायद पीटीए फॉर्मेशन के बाद, मलिक साहब भी इस बात से सहमत होंगे, ये सवाल बहुत आएंगे उठ के।
और ये बेहतर सरकार ने जो ये सुझाव दिया इसमें मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर पीटीए बनती है तो बेहतर कदम होगा। और ये सवाल बहुत सारे हैं जो फेयर होंगे, ट्रांसपेरेंसी की बात होगी और ये सवाल निकल के आएंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर वापस आते हैं। बड़ा है और काफी रोष भी है पेरेंट्स में, लेकिन दोनों तरफ से बातें हैं। लेकिन बात गवर्नमेंट की जो कही है पीटीए फॉर्मेशन की, निश्चित तौर से एक अच्छा कदम है और इसको अगर कड़ाई के साथ पालन होता है तो बहुत तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। एक सवाल आप कुछ उठाना चाह रहे थे और फिर एक सवाल आपके पास। जी जी, देखिए ये एजुकेशन के सिस्टम में एक गंभीर समस्या है, सिर्फ एजुकेशन के सिस्टम में नहीं, थ्रू आउट व्हाट एवर द सिस्टम एग्जिस्ट। समस्या कहाँ से पैदा हुई? ये स्कूल में जैसे फीस बढ़ रही, फीस की फांस का मुद्दा आप उठा रहे हैं। बात ये है कि ये जितने भी प्राइवेट पब्लिक स्कूल हैं वो करोड़पतियों का एक संगठन बना हुआ है। आम जो गरीब जो लोग हैं उसकी तो कोई चलती नहीं। हल ये है कि सरकारी स्कूल बेहतर किया जाए, ठीक है, ये करोड़पतियों का संगठन है। अगर हम गरीब तबके के लोग, पेरेंट्स लोग, अगर हम भी अपना एक संगठन बना लें, संगठित हो जाएं, तो इनकी ऐसी की तैसी। इस करोड़पतियों के तबके में सिर्फ ये स्कूल ही नहीं, ये मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, ये पूरे सिस्टम में ऊपर तक करोड़पति लोग हैं, मिले हुए हैं। एजुकेशन जैसे इन्होंने कहा कि इट इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर क्वालिटी एजुकेशन, जहां एजुकेशन होती है वहां क्वालिटी की आवश्यकता नहीं होती, एजुकेशन अपने आप में क्वालिफाइड होती है, ठीक है। शिक्षा के लिए सरस्वती को आप गुण नहीं दे सकते, ठीक है, अगर किसी स्कूल में सरस्वती सही में बांटी जाती है तो सरस्वती को और गुण देने की आवश्यकता नहीं होती। जी 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 जी, मैं जा रहा हूँ सीधे, मैं कहीं नहीं रुकूंगा, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा। वो शब्द जो है जो ऐसी की तैसी, वो शब्द मैं वापस लेता हूँ, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, उसका वो शब्द, क्योंकि जनपद में हम इस्तेमाल नहीं करते हैं और वो यूज नहीं होता, इसलिए वो शब्द मैं वापस लेता हूँ। जी बाबू जी, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि दैट दी स्कूल शुड बी रन एज स्कूल नॉट एज शॉप्स, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। स्कूल्स जो भी हैं, जब तक वो प्रॉपरली रूल्स रेगुलेशंस नहीं मानेंगे और उनके ऊपर प्रॉपरली एक्ट नहीं करेंगे तो वो स्कूल्स नहीं हैं, शॉप्स होंगे। तो इस वास्ते जो भी पब्लिक स्कूल्स हैं वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके, ये ना करें कि भाई दस्तखत तो कराए 5,000 के और दे दिया 2,000। जो पीटीए वगैरह बनना है दो शुड बी फॉर्म्ड, जी जो बनना है, जो स्ट्रक्चर बनना है उसको फॉर्म है। मैं बहुत छोटे छोटे रिएक्शन आपसे चाहता हूँ अशोक जी, सबसे पहले स्ट्रक्चर आपका एक कमेंट बहुत छोटा सा। मैं समझता हूँ कि प्लीज लिसन, ये जो प्राइवेट स्कूल्स हमारे होते हैं ना, क्या करते हैं, हमारे टीचर्स को यूज करते हैं पेरेंट्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए, और पेरेंट्स को यूज करते हैं टीचर्स को एक्सप्लॉइट। इनफैक्ट हमारी टीचर्स और पेरेंट्स की कोई लड़ाई नहीं है, पेरेंट्स ने कभी भी ये सवाल नहीं उठाया कि टीचर्स को अच्छी तनख्वाह ना मिले, लेकिन इनके पास इतना करोड़ों रुपया है ये साबित हो गया है। इसीलिए इसको हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा दुकान है, जिसकी वजह से ना तो पहले फीस बढ़ाने की जरूरत थी ना अब फीस बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन ये लगातार फीस बढ़ाई जा रही है। बहुत छोटा था, मैं ये कहता हूँ चीफ मिनिस्टर जो कहा, ये कोई नहीं कहता किस कंटेक्स्ट में, क्या पता उसके बाद कोई दुकान वाला गया स्कूल चला रहा हो, इस कंटेक्स्ट में कहो ये हमारे स्कूल जो है, प्लीज हमारे स्कूल जो है वो मल्टीनेशनल्स को चैप्टर दे सकते हैं, बिजनेस कैसे किया जाए। जब स्कूल खोला जाता है तो एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया जाता है जी। वो 3 दिन के लिए बच्चों को लेके जाते हैं, एक बर्गर 8,000 रुपए का, 3 दिन बच्चों को घुमाएंगे। 8,000 रुपए कहूंगा यही कि जो इन्होंने सलाह दी है स्कूल शुड नॉट बी रन एंड शॉप्स, आई थिंक उनको अपनी सलाह पहले खुद अमल में लानी चाहिए। आई थिंक दे शुड नॉट रन दिस गवर्नमेंट एज शॉप्स, दे शुड लेट पीपल लिव इन पीस इन द राइट मैनर। आज सिर्फ इतना ही, मैं आपसे माफी चाहता हूं, मैं आपका सवाल नहीं ले पाया, लेकिन ये बहुत सारे सवाल हैं और इन सारे सवालों के बीच में एक मुद्दा जो रखा गया कि वो ये कि पीटीए फॉर्मेशन होना चाहिए, सख्ती के साथ फॉलो होना चाहिए, और जो ये मुद्दा है टीचर्स और पेरेंट्स और गवर्नमेंट, इस सारे लोगों को एक साथ, मैनेजमेंट के लोगों को बैठ के इसको सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। आज सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, उठाएंगे आवाज जनपद में, देखते रहिए।